तो कैसे है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी फोटो को अपनी बॉय की जो फोटो होती है उसकी गर्ल की फोटो कैसे बनाएं। जो बॉय की फोटो होती है उसका फेस आपके गर्ल की तरह काफ़ी जगह आपने देखा होगा एडिट करके, आप बहुत से लोग वायरल होते हैं पोस्ट करते हैं, तो आप भी देख के इसको कन्फ्यूज हो जाते होंगे। तो आज आपका यही डाउट हम आपको क्लियर कर देंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यही बॉय की फोटो है, इसी को हम आपको गर्ल की फोटो में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, शेयर आइकन पर सिंपली क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं जौन सा भी ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फेस ऐप का ऑप्शन जाएगा, जिसको आप इस पे अपनी फोटो को यहाँ पे शेयर कर लेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं जिसको यहाँ पे जोन सा भी ऐप है इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आप लोग देख सकते हैं जैसे आप लोग फोटो यहाँ पे आ जाती है इस ऐप में, सिंपली आपको यहाँ पे नीचे कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आपको नीचे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सिंपली आपको यहाँ पे स्माइल वाले आइकन पर क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप इस पर टच करते हैं यहाँ पे आपको एक क्लासिक स्माइल मिल जाएगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आपकी स्माइल यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेके देख लीजिए, यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे सारा की चीज़ आप लोग लाइव प्रूफ आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं लाइव, देख सकते हैं। इतना करने का आपको यहाँ पे सिंपली अप्लाई पे क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं गाइस यहाँ पे आपको नीचे की साइड यहाँ पे आपको फीचर्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे फीचर पे चले जाना होगा, यहाँ पे अपनी फोटो के पे यहाँ पे डिम्पल्स को अप्लाई कर लेना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते गाइस यहाँ पे थोड़ा सा समय लेगा, यहाँ पे डिम्पल यहाँ पे 4 है, 4 पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे 5 है, 5 पे अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे आपने 5 पे अप्लाई कर लिया, यहाँ पे अप्लाई इस पर क्लिक कर लेंगे, तो आपको क्या करना होगा गर्ल्स के लिए यहाँ पे आपको एडिट करने के लिए यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे इस ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। इस पर जैसे आप इस पर टच करते हैं इसका नाम है हेयर स्टाइल्स। जैसे आप गाइस इस पर टच करते हैं यहाँ पे 2 एक ऑप्शन मिल जाएंगे, एक आपके यहाँ पे हेयर कट मिल जाएगा, यहाँ पे आपके लॉन्ग हेयर 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस पर पहले हेयर कट पे यहाँ पे क्लिक करते देख सकते हैं आप फोटो यहाँ पे कितने छोटे हो गए, ये 4 यहाँ पे हेयर इसको घटाता है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे लॉन्ग हेयर का। जैसे गाइस यहाँ पे इस पर क्लिक करते आपके देख सकते हैं आपके कितने ज़्यादा घने यहाँ पे बड़े बड़े बाल हो चुके हैं। इतना करने के आज यहाँ पे आपको इसको करना क्या होगा, इसको अप्लाई पर क्लिक करके इसको अप्लाई कर लेना होगा। आप यार सोच रहे होंगे गाइस यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे गर्ल्स की फोटो बनानी है, तो हम यार कहाँ यहाँ उलझा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे आपको गाइस उलझने वाली बात ही नहीं है बिल्कुल, हम आपको एक एक स्टेप यहाँ पे क्लियर करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे साइड्स में आपको यहाँ पे चले जाना होगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा देख सकते हैं यहाँ पे जेंडर का, जेंडर पे सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं गाइस यहाँ पे आपको देख सकते हैं फीमेल एंड फीमेल 2 का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप मेल का भी मस्कुलिन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जो ये मस्कुलिन का ऑप्शन है आपको यहाँ पे फीमेल टू मेल बनाने के लिए, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है मेल टू फीमेल बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जोन सा भी यहाँ पे फीमेल 2 है इस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगा थोड़ा सा, यहाँ पे देख सकते हैं हमारी फोटो यहाँ पे फीमेल 2 यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है, फीमेल यहाँ पे 1 भी है, फीमेल 1 भी आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। यहाँ पे फीमेल 1 को यहाँ पे अप्लाई नहीं करना होगा, नहीं तो यहाँ पे आपको थोड़ी फोटो यहाँ पे बुढ़िया टाइप की लगेगी। यहाँ पे फीमेल 2 पे अप्लाई कर लेंगे, अप्लाई करने का यहाँ पे अप्लाई भी क्लिक कर लेंगे। इतना करने के बाद गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे हेयर यहाँ पे कैसे गर्ल की फोटो यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है। अभी भी थोड़ा बहुत चीज़ें बाकी है, उसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मेकअप के आइकन पर सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना होगा। जैसे गाइस यहाँ पे आप मेकअप पर क्लिक करते हैं यहाँ पे विंग्ड पर सिंपली चले जाना होगा। जैसे आप विंग्ड आईलाइनर पे क्लिक करते हैं गाइस यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपके फोटो पे यहाँ पे आईलाइनर यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है, इसको डन कर लेंगे। डन करने के बाद यहाँ पे आप ग्लास पे क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप ग्लास पे क्लिक करते हैं यहाँ पे ग्लासेस पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपने फोटो पे यहाँ पे ग्लासेस यहाँ पे लगा सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे ग्लास लगाने के बाद देख सकते हैं आपकी फोटो कितनी यहाँ पे बवाल तरीके से यहाँ पे कितनी खतरनाक लग रही है। आने के बाद गाइस यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे एक एज वाला ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, सिंपली आप इस पर टच करेंगे यहाँ पे आपको एज यहाँ पे बेबी फेस का भी ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। चाहे तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं या तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। स्किप करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे चाइल्ड के ऑप्शन पे सिंपली चले जाना होगा। जैसे गाइस यहाँ पे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे चाइल्ड वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा, यहाँ पे टीन वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा आपको। यहाँ पे टीन पे जैसे क्लिक करते हैं गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करने के बाद गाइस आप लोग देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर आप लोग देख सकते हैं, यंग 2 का भी एक ऑप्शन मिल जाएगा एंड यंग 3 का भी एक ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी आपको सही लगे वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर लेना। लेकिन इतना हो जाने के बाद गाइस आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जैसे आप इसको कर लेते हैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर लेना होगा। इतना करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल गए हैं। इतना हो जाने के बाद गाइस आपको करना क्या होगा, यहाँ पे मेकअप पे भी आपने अप्लाई कर लिया है, आपको क्या करना होगा गाइस आपको यहाँ पे पेंट एडजस्टमेंट पे क्लिक करने के बाद इसके एनहेंस को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद 20 को कर लेना है, इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, इसके हाइलाइट्स को थोड़ा सा घटा लेना है, इसके शेडोज को आप लोग को क्या बोलते हैं घटा लेना है, सैचुरेशन को आपको इसको थोड़ा सा घटा लेना है, इसकी जो शार्पनिंग है इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, एंड इसके कॉन्ट्रास्ट का इसको थोड़ा सा यहाँ पे घटा लेना है, इसके टेम्परेचर को आपको थोड़ा सा यहाँ पे घटा लेना है, टिंट को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ग्रेन को भी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेना है। इसको करने के बाद इसको अप्लाई कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर,
बन गए ना आपके यहाँ पे फोटो गर्ल वाली। इतना करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और मिल जाता है, यहाँ पे ब्लर के ऑप्शन पे चले जाते हैं, बुके का यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे बुके के ब्लर को यहाँ पे आप लोगों को फुल कर लेना अमाउंट को, इसको अप्लाई कर लेना है बिफोर एंड अपलोड। हमारी फोटो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे गर्ल बॉयज से गर्ल्स में हमने फोटो को कन्वर्ट करके यहाँ पे दिखा दिया है। इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लेना, फिर यहाँ पे आपको सेव वाले आइकन पे जाके इसके अपनी फोटो को गैलरी में सेव कर लेना है। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, आपने आपके भाई ने एक एक चीज़ें यहाँ पे अपने डिटेल्स में समझाई है जिसको आप आसानी से समझ लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू।